जी हाँ दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट परिसर में महिलाओं पर बड़ा हमला, मची भगदड़। खबर में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों दरअसल आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट परिसर में बुधवार को एक वकीलों पर बंदरों ने हमला कर दिया। महिला वकील उस समय कोर्ट में एंट्री कर रही थी कि बंदर उन पर झड़प पड़े। इस हमले में वह घायल भी हो गई। दोस्तों आपको बता दें, अधिवक्ता एस सिल्वा कुमारी सुप्रीम कोर्ट संग्रहालय के बगल में स्थित गेट नंबर जी से एंट्री कर रही थी, तभी अचानक बंदरों के एक झुंड ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से एक ने उनकी दाहिनी जांग को काट लिया। दोस्तों आपको बता दें, बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक वह सुप्रीम कोर्ट के प्राथमिक उपचार क्लिनिक में पहुंची, लेकिन डिस्पेंसरी में उनको कोई दवा नहीं मिली क्योंकि वहां मरम्मत का काम नहीं चल रहा था। आपको बता दें, सेल्वा कुमारी ने बताया, मैंने जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में घुसने की कोशिश की, वैसे ही एक बंदर ने मेरी जांग पर हमला कर दिया। गेट एरिया के बाहर भी मुझे बचाने वाले कोई नहीं था, वहां कोई तैनात नहीं था। फिर जब मैं सुप्रीम कोर्ट की डिस्पेंसरी में पहुंची तो वहां मरम्मत का काम चल रहा था। वकील को उसके दोस्तों ने रजिस्टर कोर्ट के पास स्थित पोलू क्लिनिक में पहुंचाया, लेकिन वहां भी कोई दवा उपलब्ध नहीं थी। सेल्वा कुमारी ने आगे कहा, पोलू क्लिनिक ने कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने केवल घाव को साफ किया, लेकिन प्राथमिक उपचार की कोई दवा नहीं थी, कुछ भी नहीं किया। मुझे बस राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाने के लिए कह दिया गया। इसके बाद वह दिल्ली हाई कोर्ट की डिस्पेंसरी गई, जहां उन्हें टैटनिस का इंजेक्शन लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की स्थायी सदस्य महिला वकील ने कहा, इसके बाद मैं आरएमएल अस्पताल गई और मुझे 3 और इंजेक्शन लगे। इसके बाद आज 2 और इंजेक्शन लगे। अब मेरे शरीर पर कुछ रिएक्शन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बुखार और मानसिक आघत है। उनके पास कम से कम दवाइयाँ तो होनी चाहिए थी। गेट पर भी बंदरों को भगाने या किसी घटना को बचाने वाला कोई नहीं था। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने जजों के बंगलों में घुसने और बंदरों को डांट कर भगाने के लिए लोगों को एक आधिकारिक टेंडर जारी किया था। नोटिस में लिखा था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में लगभग 35 से 40 बंगले हैं और जरूरत के हिसाब से जब भी जरूरत होगी बंदरों को भगाने वाले तैनात किए जाएंगे।